हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी पनीर पराठा रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 कप गेहूं का आटा और 2 कप मैदा, और लिए हैं 1/2 टीस्पून शुगर, नमक और रिफाइंड ऑयल, और चाहिए टोमेटो चिली सॉस और रेड चिली सॉस, ओरिगेनो, और चाहिए पनीर, चॉप्ड ऑनियन, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन। सबसे पहले अदरक और लहसुन को क्रश कर लेते हैं। अदरक और लहसुन को अच्छे से क्रश कर लिए हैं, आप देख ही सकते हैं। ये देखें, अब कढ़ाई में दिए हैं 2 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल। ऑयल गर्म होने पर दिए हैं चॉप्ड ऑनियन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च को, देकर कुछ देर के लिए भुनना है। अब लिए है पनीर को। सबसे पहले पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। ऑनियन और हरी मिर्च को कुछ देर भूनने के बाद दे दिए हैं क्रश किए हुए अदरक और लहसुन को। आप देख ही सकते हैं पनीर को मैंने ग्रेट कर लिए हैं। ये देखिए, ग्रेट किया हुआ पनीर को दे देते हैं कढ़ाई में, देकर भून लेते हैं कुछ मिनट के लिए। अब दिया है थोड़ी सी नमक, ऑरिगेनो थोड़ी सी, देकर मिक्स कर देना है। अब दिया है 1/2 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो चिली सॉस, देकर मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करके कुछ मिनट के लिए भून लेते हैं। पराठा के लिए स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसे तोल लेते हैं एक बाउल में। देखिए, आप देख सकते हैं, आटे को गूंथते हैं। आटे में दिया है थोड़ी सी नमक, 1/2 टीस्पून शुगर दिया है मैंने, थोड़ी सी ऑरिगेनो आटे में दिया है, आप देख ही सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब आटे में दिया है 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, ऑयल देकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं आटे के साथ। अच्छे से मिक्स कर लिए हैं आटे के साथ, आप देख ही सकते हैं। अब आटे को गूंथते हैं पानी देकर, थोड़ी थोड़ी करके पानी देकर आटे को गूंथ लेते हैं। आटे को गूंदने के समय पानी हमेशा हाथों में थोड़ी थोड़ी करके डालें। ये देखें, सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लिए हैं, आप देख ही सकते हैं। अब इसे कवर देकर रख देते हैं 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद कवर हटाकर और एक बार आटे को गूंदते हैं। ये देखें, सॉफ्ट डो बना लेते हैं। आटा को अच्छे से गूंदने के बाद लोई बना लेते हैं। मैंने लिए हैं आटे की एक बॉल को, इसे सबसे पहले अच्छे से गोलाकार देंगे, फिर इसे उंगली की मदद से फैला दें ऐसे करके। इसके अंदर हम भरेंगे तैयार किया हुआ पनीर को। मैंने लिए है पनीर को। पनीर को देकर प्रेस करते हुए पनीर को अंदर की तरफ पुश करना है, उंगली की मदद से प्रेस करते हुए पनीर को अंदर की तरफ, और आटा की डो को बाहर की तरफ पुश करना है। पुश करते हुए सील कर देना है। सील करके गोलाकार देते हैं। ऐसे ही करके एक एक करके सभी डो को तैयार कर लेते हैं। मैंने लिए है और एक डो, इसे भी गोलाकार देते हुए उंगली की मदद से फैला दें। सभी डो को ऐसे ही तैयार कर लें। हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है और फिर किनारों को ऐसे सील कर दें। अब हम इसे रोल कर लेंगे। तो पनीर को भीतर में टैप कर लिए हैं, और अब हम इसे अपने दोनों हथेलियों के बीच में रख के ऐसे हल्के हल्के इसे प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक एक करके सभी डो को सेम प्रोसेस में तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं पराठा को बेलने की प्रोसेस में। मैंने लिए हैं एक डो को, इसे और एक बार प्रेस कर लिए हैं। सबसे पहले ऑयल देकर ग्रीस कर ले चकला में, फिर डो को रखकर
और एक बार ग्रीस कर लें। अब हाथों की मदद से प्रेस करते हुए फैला दें ऐसे करके। ऐसे करने से क्या होगा, जो भीतर हमने पनीर को डाला है वो आटे के भीतर इवनली स्प्रेड हो जाएगा। जैसे हम पराठे को बेलते हैं वैसे ही हम रोल कर लेंगे। बेलने से पहले और एक बार ग्रीस कर लें आटे के ऊपर। अब बेलते हैं, हल्के हाथों से बेलना है, हल्के हाथों से बेलन का यूज करें। ऐसे ही करके एक एक करके सभी डो को बेल लेंगे। गैस पर तवा को गरम करके रखा है हाई फ्लेम में। गरम तवा में दे दिया है पराठा को। अब हम इसे पकाएंगे। 4 से 5 सेकंड बाद हम इसे एक बार पलट देंगे और फिर पराठा की एक तरफ ऑयल देकर पलट दे इसे। मीडियम फ्लेम में पलट पलट के दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे, जब तक ये पराठा जो है अच्छी तरह से पकना जाए। और ये पराठा जो है आप देख ही सकते हैं ऑलमोस्ट हो चुका है। ये देखिए पराठा जो है तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सेम इसी प्रोसेस में बाकी के पराठा को भी सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम में पराठा को ना पकाए। सेम इसी प्रोसेस में बाकी के पराठा को भी तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की ये पराठा रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर मिलूंगी, टाटा बाय बाय।